हेलो दोस्तों, आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्फोसिस रिजल्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो दोस्त हैं उन्होंने 9 सितंबर 2021 को इन्फोसिस का इंटरव्यू कंप्लीट किया था और वो अभी भी वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए। दोस्तों अगर आपको रिजेक्शन का मेल नहीं आया है, इसका मतलब आपको सिलेक्शन के मेल आने के चांसेस अभी भी है, इसीलिए आपको बहुत ही पेशेंस के साथ वेट करना होगा। तो दोस्तों देखिए, मेरे जो ये दोस्त हैं, महेश जी नाम है उनका, वो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स है, मीन्स नॉन CSIT के स्टूडेंट्स है। उन्होंने 9 जुलाई 2021 को इन्फोसिस के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद दोस्तों उनको 10 अगस्त को शॉर्ट लिस्टेड का मेल आया कि वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं एग्जाम के लिए। एंड देन दोस्तों उन्होंने 22 अगस्त 2021 को, मीन्स 22 अगस्त 2021 को इन्फोसिस के एग्जाम कंप्लीट की मॉर्निंग शिफ्ट में, मीन्स 10 AM को। उसके बाद दोस्तों उनको 28 अगस्त को शॉर्ट लिस्टेड का मेल आया एंड देन उन्होंने 9 सितंबर को इंटरव्यू कंप्लीट किया। तो चलिए देखते हैं उनको इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो महेश जी कहते हैं उनको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मीन्स उन्होंने कहा कि ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों, कुछ इंटरव्यूअर कैंडिडेट्स को कंफर्टेबल करने के लिए खुद का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं इन विच स्ट्रीम यू कंप्लीटेड इंजीनियरिंग। दोस्तों देखिए, अगर आप नॉन CSIT के स्टूडेंट्स हो तो आपका जो रेज्यूमे है वो इंटरव्यूअर के सामने होता है, उनको पता है कि आप कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स हो। फिर भी वो आपको ये क्रॉस क्वेश्चन करता है कि आप कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, और उसके बाद नेक्स्ट उनका क्वेश्चन रहता है कि व्हाई यू चूज IT, मीन्स आपने क्यों IT के लिए एप्लीकेशन किया था, आप क्यों आना चाहते हैं IT फील्ड में। तो देखिए दोस्तों, इसको भी सेकेंड वाला क्वेश्चन वही पूछा है कि व्हाई यू वॉन्ट टू मूव इन IT। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो और आप IT में आना चाहते हो तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो पॉजिटिव रीज़न होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी ब्रांच का भी पॉजिटिव रीज़न बताना है, बट आपकी ब्रांच के पॉजिटिव रीज़न के साथ साथ आपको IT का भी पॉजिटिव रीज़न इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद दोस्तों उनको नेक्स्ट पूछा कि शो यूअर गवर्नमेंट IT कार्ड। उसके बाद उसको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट पूछा। दोस्तों फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ऑब्वियसली सभी को पूछते हैं, आपको आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट पूरी तरह मालूम होना चाहिए, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की। उसके बाद दोस्तों उसको पूछा कि आपका रोल क्या था आपके प्रोजेक्ट में। देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यू नो लेटेस्ट IT ट्रेंड्स। देन ओप्स, देखिए दोस्तों अगर आप इन्फोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई और कंपनी के लिए, तो आपको ओप्स कंसेप्ट एंड बेसिक डेटाबेस मालूम होना चाहिए। देन दोस्तों देखिए यहाँ पे उसको ओप्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। दोस्तों आपको ओप्स में ओप्स के फोर पिलर्स मालूम होने चाहिए, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन। आपको कौन सा भी इंटरव्यू होगा तो भी इन चारों में से एक क्वेश्चन 101% पूछेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज पॉइंटर्स। दोस्तों अगर आपको पॉइंटर्स आता है सी लैंग्वेज में तो फिर आपको पूरी सी लैंग्वेज आती है, ऐसा माना जाता है। देन दोस्तों नेक्स्ट उनको पूछा गया व्हाट इज पॉइंटर के बाद उनको पूछा गया व्हाट आर दी डिफरेंट स्टेजेस इन SDLC। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इन्फोसिस में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है व्हाट इज़ SDLC। SDLC मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दोस्तों आपका जो SDLC के बेसिक डेफिनेशन दे रहा है, उसके टाइप्स, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इन्फोसिस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको SDLC पूरी मालूम होनी चाहिए। देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू रिटन एनी कंप्यूटर प्रोग्राम। उन्होंने ऑब्वियसली यस ही कहा होगा। देन दोस्तों उनको प्रोग्राम लिखने को कहा कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखो, 1 to 100 नंबर्स का। आपको यहाँ पे डायरेक्टली कोडिंग नहीं करनी, आपको उनको सिर्फ बेसिक लॉजिक बताना है इंटरव्यूअर को प्रोग्राम का। देन दोस्तों HR क्वेश्चन पूछे गए, वो कहते हैं डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। उन्होंने ऑब्वियसली कुछ काम किया होगा इसलिए उनको पूछा कि आपको कोई एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर से। और दोस्तों देखिए, हिंट वाला क्वेश्चन इनको भी पूछा गया था कि डू यू हैव अ ओन लैपटॉप। अगर आपको लैपटॉप के लिए पूछते हैं तो आपको सिलेक्शन का मेल आता है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एनी क्वेश्चन फॉर मी। एंड एट द लास्ट सर सेज इट्स नाइस टू टॉकिंग विद यू, ऑल ऑफ द बेस्ट। एंड देखिए दोस्तों उसके बाद को 16 सितंबर 2021 को सिलेक्शन का मेल आ चुका है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने लिखा है कि 23 सितंबर उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यानी कि कल ही वो ज्वाइन हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।